मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये स्कूल भी कितना अच्छा है। अरे कैसी हालत होगी एक दो महीने में मेरे बिना स्कूल की है। नमस्ते, कौन करेगा? नमस्ते सर। ये बटन क्यों खोल रखे तूने? हैं, तेरे को बड़ा मजा आएगी सिर्फ भागे से। नमस्ते, कौन करेगा? नमस्ते सर। नमस्ते। पूरा हीरो रखा है मॉडल बन के आते स्कूल में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? एक नंबर। और मम्मी कैसी हैं? वो भी ठीक है। मम्मी का नमस्ते देना मेरी। हाँ ठीक है, पढ़ो चल। ओके। नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे वाह भाई वाह, शाबाश बेटा। बेल्ट कहाँ थी सर जी? बेल्ट तो घर पे रह गई। वहाँ चला जा, स्कूल वालों ने सेल लगा रखी, वहाँ से बेल्ट ले लियो। सारे घिसड्डी पसड्डी मेरे स्कूल में ही है। पाए लागू सर। पाए लागू बेटा, पाए लागू। टाई कहाँ थी? वो तो सर मेरा कुत्ता खा गया। कुत्ता? ना टाई है, ना बैग है, ना पेंट है, ना जूते हैं। स्कूल में क्या करने आए तुम? सर पढ़ने आया हूँ। पढ़ने आया? पढ़ने के लक्षण तो नहीं तेरे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे वाह भाई वाह, स्कूल में तो आज मॉडलिंग का फैशन शो चला हुआ है। सर अभी कैरेटिन करवाया ना। ओहो, कैरेटिन करवाया है, यहाँ पर फैशन शो चला हुआ है क्या? वहाँ पर मुक्ता मैडम बैठी हुई है, चोटी बुलवा लेना दो। सर चोटी से बाल खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे? यहाँ पे करवा दूँ तुम्हारी शादी। Yes. नमस्ते सर। Yes. नमस्ते संजय दत्त। टाई को ऊपर कर ले। ठीक है, बैग कहाँ तेरा? बैग तो मैं क्लासरूम में रखा है। ऐसे सो चल रहा है यहाँ पर, भाग जा यहाँ से चल। ये टोपी तो दो। टोपी को तो मैं पहनूंगा। राम राम सर। राम राम। कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। टाई कहाँ तेरी? टाई बैग में। हैं? और बैग कहाँ है? बैग क्लास में। अच्छा, बंदूक लाया है? बंदूक। आमिर खान है। अच्छा है ना? अच्छे तो हैं। ड्रेस में आ जाए कैसे? ये तो अपनी नैन्सी मैडम को दूंगा मैं। अरे गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सारी कट्ठी? तू कौन है बे? अरे सर मैं डीकरो। हाँ पता है मेरे को। पैंट कहाँ थी? अरे वो पैंट फट गई सर। और जूते? जूते ही फट गए। और बेल्ट कहाँ थी? बेल्ट टूट गई। नहीं जूते ना बेल्ट ना टाई हैं? तेरी तो मैं कंप्लेंट करके रहूंगा, तेरे को तो स्कूल से रस टिकट करवा के रहूंगा मैं। अरे सर आपको क्या मिलेगा मेरी कंप्लेंट करके? संतुष्टि। आपको मन की शांति चाहिए ना, तो मेरे पास इसका उपाय है ना। कैसे? अरे सर पहले हाथ छोड़ो। अब सर मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरे पास ना नैन्सी मैडम का नंबर है। नंबर? सच में? हाँ नंबर है तेरे पास? है ना मेरे पास। ठीक है, जेब में है, तू देना। अरे ना कंप्लेंट करोगे आप? ना 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 ना। चलो ठीक है देता हूँ। लिखो लिखो लिखो। 98971। देख लो सर नंबर दे दिया मेरी कंप्लेंट। मन की शांति संतुष्टि। हाँ अच्छा सर मैं चलता हूँ, बाय बाय। हेलो हेलो नैन्सी मैडम। नैन्सी मैडम नहीं, नैन्सी ब्यूटी पार्लर का फोन है। आपको कुछ काम करवाना है क्या? क्या? हाँ जल्दी बताऊँ क्या काम है। ब्यूटी पार्लर का नंबर दे गया डिग्रो, तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे मैम ये तो साड़ी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई है, पता है आपको कितने की पड़ी? बस 250 रुपए की। सच? हाँ देखो ना कितनी अच्छी है। बहुत अच्छा। हाँ इसको कपड़ा तो बहुत अच्छा है। यार बहुत मारेगा ये मास्टर, मेरे को तो लग रहा है देख के इसकी शक्ल। डरता है तो यार, देखी जाएगी जो होगा।
रश्मि मैडम कैसे हो? तो आगे रहा, आगे रहा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों आप सबकी छुट्टियां कैसे गई? बहुत अच्छी। हाँ सर बहुत बढ़िया, मस्त गई एकदम, मजा आ गया। गुड, बहुत अच्छे। बच्चों आप सबके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? देख लो कैसी खुशखबरी सर। खुशखबरी कैसे बताओ ना। अरे बता रहा हूँ ठहरो। बच्चों खुशखबरी ये है कि आप सबका होमवर्क चेक होगा, वो भी ग्राउंड में। अरे सर पागल वागल हो गए क्या? कौन चेक करता है? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, यहाँ थोड़ी होमवर्क चेक होता है। देखो ना धूप इतनी तेज हो रही है, एक काम करो ना आराम से क्लास में चलते हैं, बैठ के होमवर्क चेक कर लेना। यहाँ क्या जरूरत है चेक करने की होमवर्क? हाँ सर डिग्रो सही कह रहा है, यहाँ मत चेक करो क्लास में चेक कर लेना, कॉपी के पेज जल जाएंगे इतनी गर्मी जो हो रही है। अब काले कौवे चुप रहे। सर आज नहीं कल कर लेना चेक, आज बहुत धूप है ना। बेटा कल वल कुछ नहीं, जो कुछ होगा आज ही होगा और अभी होगा। जो मैंने बोल दिया बोल दिया, मेरी बोली हुई बात पत्थर की लकीर है, आई बात समझ में? अबे डीकरो कोई जुगाड़ लगाना। अबे यार चिद्दी तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूँ ना डीकरो, नाम है मेरा डीकरो, कोई ना कोई प्लानिंग कर ही लूंगा मैं। हाँ देखता हूँ तेरी प्लानिंग, इंतजार रहेगा मुझे भी। अबे देखता जा। अब तुम प्रेयर स्टार्ट करो और प्रेयर के बाद तुम्हारा होमवर्क चेक होगा यहीं पे ग्राउंड में, तो सारे हाथ जोड़ो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। मारो देखो, ए जल्दी उठा रहे उठा। अरे सर। अरे मैडम कुछ खाते पीते हैं नहीं, हमारे टाइम में था खाना, दूध गया खाना। सही कह रहे हो सर, अभी तो इन्हें बर्गर पिज्जा यही खाना होता है बस। क्लास में ले जाओ इसे बच्चों। सर छोड़ के आ रहे इसे। सर अभी आ रहे। मन का विश्वास कमजोर हो। अरे यार दिख रहो सब कुछ ठीक होगा ना, कहीं कोई गड़बड़ हो जाए। अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना, मैंने सब कुछ परफेक्टली करा है। तू है तो डर क्या है यार। अरे हाँ यार। अबे ओ मिलन मेरी बात ना अपने कान के पट खोल के सुन ले, अगर तूने नैन्सी मैम को कुछ भी बताया ना हॉलीडे होमवर्क के बारे में तो तेरा मैं समझ जा, समझ गया ना? हाँ बोल। हाँ हाँ क्या बोल रहा है? मर से मर आ रहा था अभी। हाँ गुड, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। चलो सब लोग अपना हॉलीडे होमवर्क निकालो। हाँ मैम चेक कर लो ना, ये क्या है? ये फर्स्ट वेंचर। फर्स्ट वेंचर बैठे इसे स्टार्ट करो, चेक कर लो होमवर्क। तेरा मिनट, आज कुछ अलग करते हैं, आज हम बैक बेंचर से स्टार्ट करेंगे। चलो पीछे के जितने भी बैक बेंचर्स है ना सब लोग अपना होमवर्क ले आओ, चलो आओ जल्दी। अरे नहीं मैम आगे की बेंचेस से स्टार्ट करो। अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगे कैसे होता है, जितना कहे उतना करो, चलो लेके आओ अपना होमवर्क। नहीं मैम हम लेके नहीं आएंगे, आप इनसे शुरुआत करो पहले, हम लेके आएंगे ही नहीं। नहीं मानोगे तुम? नहीं। पक्का नहीं मानोगे? नो नेवर। ठीक है तो मैं प्रिंसिपल सर के पास जा रही हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी लेके आते, कॉपी है ना हमारे पास, ये कॉपी लेके आई। अरे वाह पूरा होमवर्क, वो भी सारे आंसर्स ठीक, वेरी गुड। अरे हाँ मैडम हमने साथ में बैठ के होमवर्क कराया, वो भी आधी आधी रात में उठ के, देखो हमारी आंखें बता रही है मेरी से, ये देखो। हाँ हाँ दिख गया दिख गया। मैडम कह रही है उन्हें। अरे इन्होंने होमवर्क कैसे कर लिया? अरे यार मैं तो खुद शॉक्ड हूँ, इन लोगों ने होमवर्क कैसे कर लिया? दाल में कुछ तो काला जरूर है, वरना ये लोग होमवर्क कैसे कर सकते हैं? अबे ओए दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। पहले तो कॉपी देने से मना कर रहे थे, अब कहाँ से आ गया होमवर्क इनके पास, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वाह बच्चों वेरी गुड, मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर तुमने किया मुझे बड़ा अच्छा लगा।
सीखो तुम लोग भी कुछ इनसे। चलो अब इन बच्चों के लिए क्लैपिंग करो। चलो अब तुम लोग लेके अपना होगा। और हम लोग क्या करें? जाके सीट पे बैठो। और क्या करोगे? मैडम जी ये कोई होमवर्क नहीं करके आए, आपको पागल बना रहे हैं पागल। और हाँ मैडम, इन्होंने होमवर्क तो किया नहीं है तो इनको पनिशमेंट तो मिलेगी ना। देखो मैम, पनिशमेंट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, मिलेगी सबको पनिशमेंट। तुम सब लोग अब बाहर जाकर खड़े हो जाओ। और हाँ, हाथ ऊपर होने चाहिए सबके। चलो बच्चों, अब मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाऊंगी आज। तो आज का टॉपिक है, चलो तो हम आज की क्लास कल से ही कंटिन्यू करेंगे। ओके सलेमी हो जाएगा आज उनको चिढ़ाने। चलना तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोग तो मना कर रहे थे कि तुम्हारे पास नोटबुक नहीं है, फिर कहाँ से आ गई? और हमारा होमवर्क गायब कैसे हो गया? अरे इन लोगों ने चुराया हमारा होमवर्क। अबे गायब नहीं हुआ ना चुराया, बस हमने थोड़ी सी हेरा फेरी करी थी। और जानना चाहते हो हेरा फेरी कैसे करी? कैसे? चलो फिर। और अपने बैग में इस बात की शुरू हो जाओ। समझे? ये तुमने अच्छा नहीं करा डीकरो। अबे चलना, कितने बेशरम है, हमारा होमवर्क चुरा लिया और फिर उसके बाद ऐसे ऑफर दिखा रहे हमें। ए चुप चोटी। चलो चलो चलो, आओ तुम करो। अरे मैडम, लंच लेके नहीं आएगा आप? अरे लाई हूँ ना सर, आपके लिए आलू के पराठे बना के लाई हूँ। सच्ची? तो लाओ ना मैडम, लंच करवा दो। अरे सर, स्टाफ रूम में भेजा है बच्चों को लाने के लिए, बस लाते ही होंगे। और साथ में दही लेके आए हो? अरे सर, दही तो मैं लाना भूल ही गई, कल ले आऊंगी। हाँ सर। ओके, कोई नहीं मैम। मैडम जी, आप क्या लेके आए हो? करेले। तेरी की करेले, खुद भी करेले जैसी। देखना मेरी आग में कुछ घुस गया। अरे हाँ सर, कुछ है, रुको मैं फूंक मारती हूँ। चल यार, जितनी जल्दी मारना बोल, तेरे बाद मेरी बारी है। अबे कर रहा हूँ ना, हर बार मेरी बारी है, कर रहा हूँ, जल्दी मार। ओ रह गया, बोले बोले बोले। क्या रह गया? चल हटे, दोबारा करूंगा, अभी नहीं गई। ऐसा कुछ नहीं। अबे नहीं गई यार, बोल दे। तेरी की पेड़ा गर्ग हो तेरा, किसने मारी है बोल। अबे चिट्टी, तूने ये क्या कर दिया? लोकेश सर को तूने बोल मार दी। अबे मैंने थोड़ी मारी है, तेरी गलती है, तूने बीच में हाथ अड़ाया, जाके सर के लग गई। अबे मेरी गलती थोड़ी है, ये लंबी की गलती है। अबे वो मेरी क्या गलती है, तुमने तो मेरी टर्न भी नहीं आने दी, बॉल दी ही नहीं है। अच्छा, कितनी झूठी है यार ये, अगर तेरी भी गलती नहीं है ना, फिर तो एक ही शख्स की गलती है इसकी।
मेरे तो हाथ में भी नहीं आई बॉल। अबे यही तो गलती है कि तूने पकड़ी नहीं जब हम बॉल फेंक रहे थे। तुम्हारी तो दिख रो रुक जा। ये बॉल किसने मारी मेरे को? अरे सर इसने मारी थी। इसने मारी थी? अरे सर विद्या पढ़ाई कसम इसने मारी है बॉल। सर भगवान की कसम इसने मारी है। अरे सर सब छोड़ो तीनों को मारो। तुम ऐसे नहीं बताओगे? अब बताओ किसने मारी? अरे सर हमने बॉल नहीं मारी, हमें क्यों मार रहे हो आप? अब बताओ इसने 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 पता नहीं क्या स्टील खाते हैं, भूख लगाई। पीट पीट के इनको, मैडम कहाँ मेरे आलू के परांठे? आया क्या रे तेजस्वी, मेरे को छोड़ के आगे पिटता हुआ छोड़ के वहां पे हैं? अबे ओ मेरी गलती नहीं है समझा? गलती नहीं है, पता नहीं किसकी गलती है। क्या रे तेजस्वी, तू मेरे को भी छोड़ के आगे वहां से हैं? तो तुमने सर को बॉल क्यों मारी थी? मेरी गलती नहीं है, चुप कर तू भी। मैंने नहीं मारी थी, इसने मारी थी मोटे ने। मैंने नहीं मारी थी, इसने मेरे से छीन के मारी थी। चुप करो तुम। यार तू भी आ गया। क्या रहते तेजस्वी, मेरे को छोड़ के आ गई तू वहाँ पे पिटने के लिए? छोड़ दिया तुम सबने मेरे को, तो बड़ा मजा आया तुम तीनों को पिटता देखने में। सच्ची में तेरे को तो देख लेंगे हम। अबे हटना। अरे यार ये सब छोड़ो, अब ये बताओ ये लोकेश सर है ना, उन्होंने हमें पीट पीट के ना हमारा बुरा हाल कर दिया, तो उनको सबक सिखाने के लिए क्या करें हम? मैं तो कहता हूँ जहर मिला देते हैं उसके खाने में। अरे पागल है क्या सर है हमारा यार? मैं तो कहता हूँ पुलिस वाले से पकड़वा देते हैं। पुलिस वाले से? हाँ बच्चों पे इतना बेरहम तरीके से मारता है। अरे यार मेरे पास ना एक खुराफाती आइडिया है। क्या? बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। अच्छा दिखा फिर। चले चलो चल रोक। अब रोकना। अबे चिंदी क्या कर रहा है? चिंदी देखो तेरी माँ का। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, फिर आ गए तुम हैं? सॉरी सर। सॉरी सर सॉरी। सॉरी किस बात की मांग रहे हो? हाँ बॉल मारी मेरे सिर में, ऐसे माफ नहीं करूंगा। पहले ये बता बॉल किसने मारी थी? अरे सर कैसी बात कर दी, बॉल हमने थोड़ी मारी है। लगता है सर को सच्चाई बतानी पड़ेगी। संदीप ने मारी थी सर बॉल, पूछ लो इनसे। हाँ सर पूछ लो राहुल से। हाँ हाँ संदीप ने मारी थी और वो भाग गया मार के। भागा नहीं है, बंक में गया है। बंक पे नहीं गया, दीवार फान के गया है। उसको बंक ही कहते हैं। अच्छा नंबर है तुम्हारे पास संदीप का? है ना सर है, नंबर तो है बिक्रो के पास। है ना नंबर है ना पास सर? दे दे दे। नंबर का क्या करोगे सर, घर ही बता देता ना। चलो अबे नंबर जब दे रहा हूँ मैं, सर नंबर लिखो मेरे को याद है। टू टेल मी 85। ये किसका है? पता नहीं, कोहली टेंट का लग रहा है मेरे को तो। चुप रहना। 27 36। मैडम एक्सक्यूज मी, अभी आता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हेलो संदीप की मम्मी बोल रही है क्या? अरे मैडम आपका लड़का बड़ा बदतमीज हो रखा है, दीवार फांद के चला जाता है। अभी देखना कितना मजा आने वाला है। पता है वो किसका नंबर था? किसका? अरे मेरे मामा पुलिस वाले का। देख रहे तू तो बहुत तेज निकला बे। अरे तेज तो मैं हुई। चलो बे बैल मची। करने को कुछ नहीं है, बोर हो रहे हैं। अरे मैडम आए नहीं, हम क्या करें इसमें? अरे वो सब छोड़ देख लो। हाँ हाँ क्या हुआ? अरे तूने सुना है क्या भाई? वर्षा ना तेजस्वी को गाली पकड़ी थी। क्या बात कर रहा भाई, और क्या कहा था? और हाँ भाई तेरे को पता है सना ने कोमल को क्या बोला? अरे भाई ऐसा क्या बोल दिया कोमल को? तू चश्मी से है। मैं तो नहीं जाता। अच्छा सुनो हम जरा जा रहे हैं बाहर, तुम्हारे बुक्स का ध्यान रखना ठीक है? ठीक है चलते, किसी को बैठने मत देना हमारी सीट पे ठीक है? हाँ ठीक है। और कोई
अरे राहुल भाई अब आएगा ना मजा, तूने क्या आग लगाई है। अभी तो देखते जा, मजा तो अभी शुरू हुआ है। क्या बैठते हैं? हाँ, हम लोग यहाँ बैठते हैं? नहीं। अरे पागल है क्या, बैठने देना। हाँ बैठ जाओ, सबसे साफ सीट यही तो है। पर ये बुक्स किसके हैं? अरे बुक्स ये लो यार, हट गई बुक्स तो। थैंक यू। तेरे को पता है भाई डिक्रो? क्या भाई? वो जो नहीं है कोमल चश्मे वाली, उसने सना को कितनी गंदी गाली बकी। और तो और भाई तेजस्वी ने पता है वर्षा के बारे में क्या बोला? क्या? वो चुड़ैल एक नंबर की, 4 किलो का मेकअप पोत के आती है। और तो और भाई। नहीं राहुल रहने दे, मैं और नहीं सुन सकता यार, रहने दे ना। अरे भाई सुन तो ले। नहीं तो नहीं, नहीं। अरे भाई मस्त बात है ना। ना तेजस्वी ने बोला वर्षा के बाल काट दूंगी। इसकी इतनी मत, मेरी सीट पे बैठी हुई है। क्यों नहीं, तेरे बाप की सीट है जो लाडो रानी बैठी हुई है। सीट मेरे बाप की ही ना सही, अगर मैं बैठ गई तो तेरे बाप का क्या जाता है। तूने तो मेरे को गाली पकी थी ना, और तू वही है ना जिसने बोला था मेरे बाल काट देगी। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ये सारा प्लान में आ गई। अरे लोकेश सर। आजा बेटा यहाँ पे आजा। मैं हूँ अभी आया। और बेटा घर परिवार में सब राजी खुशी? हाँ सर सब बढ़िया। चलो बेटा आपको समोसे खिला के लाता हूँ। सच में सर? हाँ सर। चलो 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 चलो। बच गया आज तो ये, वरना छोड़ते नहीं से। इसकी किस्मत अच्छी थी, अगली बार मिलेगा ना तो पकड़ के चटनी बना देंगे इसकी। गर्ल्स तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मुझे काम है कुछ, स्टाफ रूम में चलो मेरे साथ, आओ जल्दी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। तो कैसी बीती छुट्टियाँ? बहुत अच्छी मैम। हाँ मैम बहुत अच्छी बीती, मजा आ गया। ठीक है सिट डाउन। अरे यार चीती हिंदी मीडियम कितनी अच्छी ने यार, है ना? यार आते हालचाल पूछती है सीधा। मेरी तो क्रश है। तेरा कैसे मेरा भी है? चुप रहो यार, सुनो सुनो। तो देखो बच्चों मैं ज्यादा काम तो देती नहीं हूँ, बिल्कुल छोटा सा और आसान काम दिया था मैंने सबको, एक एक चार्ट बनाने का। आशा करती हूँ तुम बना के लेके आए होगे। तू तो कहते बहुत अच्छी, इतनी बुरी मैडम है, काम काम काम। अरे इन्होंने तो आपसे होमवर्क मांग लिया। हाँ ऐसी मैडम को क्रश नहीं बनाना चाहिए, क्रश कभी लगती है। से बात कर मैडम है। चलो फिर दिखाओ। यारे यारे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई मेरे बच्चे तो काफी इंटेलिजेंट हो चुके हैं, क्या बात है। अरे मैम आपने डिक्रो राहुल और चिद्दी का चार्ट तो चेक करा ही नहीं। ओए मां शिट, मैं भूल कैसे गई। डिक्रो चार्ट कहाँ है भाई? चार्ट मैम है ना, चार्ट 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 मैंने इसको दिया था, इसको चिद्दी को। मेरे को कौन सी तुमने ही मैडम, इसको दिया था मैंने। राहुल चार्ट कहाँ है चार्ट? अरे मैडम चार्ट हमने बनाया था, वो भी बहुत खूबसूरत चार्ट बनाया, मजा आ जाएगा आपको देख के। हम तीनों ने साथ बनाया वो, पर एक दिक्कत हो गई। अरे वो क्या है ना, लाइब्रेरी बोलना। अच्छा वो लाइब्रेरी वाली मैम है ना, उन्होंने ले लिया।
अच्छा फिर एक काम करो, लेके आओ अभी। हाँ अभी। अरे मैम कल नहीं आएंगे ना आराम से? हाँ कल मस्त नहा दो क्या ना, आपको चाट रेडी मिलेगा। मैंने अभी बोला है तो अभी लेके आओ। मैम अभी तो रहने दो ना, समझा करो। वैसे ही मैम लास्ट पीरियड है, कल ले जाएंगे हम, छोड़ो ना। मुझे पता है लास्ट पीरियड है, मैंने बोला है अभी लेके आओ तो अभी लेके आओ। तो मैडम क्लास में होगी और का दूसरी दुनिया में। खतरा मैम हम चार्ट ले आए। हाँ लाओ दिखाओ। ये तो खाली है। अच्छा ये खाली। अरे मैडम ध्यान से देखो, चश्मा हटा के, ये भरा हुआ है। हाँ अरे मैडम इमेजिन करो ना, देखो कितनी बढ़िया पेंटिंग बनी है। अरे किस चीज की पेंटिंग है ये? कर लो बात, लाल बता यार। मेरी एक टांग नकली है, मैं आपकी। अबे यार ये नहीं, पेंटिंग किस चीज की है वो बता। ओ पेंटिंग, घास खाते हुए घोड़े की है? तो इसमें घास कहाँ है? अरे घास, घास घोड़ा खा गया। तो घोड़ा कहाँ है? अरे मैडम एक बात बताओ, जब घोड़े ने घास खा ली तो रुकेगा थोड़ी, वो चला गया आराम से सफर पे। लेकिन मैडम आप चिंता मत करो, घास फिर रुकेगी, घोड़ा फिर आएगा, पेंटिंग दोबारा बढ़िया बनेगी। जब तक आप इमेजिन करो। तुम इधर आओ। हाँ जी एक मिनट, चार साइड रखो, पेंटिंग में आई है ना। बहुत महंगी पेंटिंग है, बहुत कीमती। शाबाशी दोगे ना? शाबाशी। हाँ हाँ ये गब्बर तुम्हें फुल शाबाशी देगा। इधर आओ। कलाकार छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। ये लास्ट पीरियड का भी ना अपने ही सापा है, पर मैं भी छोड़ूंगी नहीं इनको, इनका होमवर्क चेक करके रहूंगी। अगर तुमने भी अपना होमवर्क नहीं करा ना तो कर लेना, कल जरूर चेक करूंगी। हेलो गाइस, अगर आपको इस स्कूल में वापस आना है ना तो होलीडे होमवर्क करना पड़ेगा ना मेरी जान। डिक्रो बेटा, स्कूल में पढ़ना है ना तो पिटाई तो खानी पड़ेगी ना मेरी जान। पर वो क्यों सर? बेटा क्योंकि फोन अलाउड नहीं है स्कूल में, तो तुम सबकी कुटाई होगी ना मेरी जान। भागो।